प्यारा बच्चों, अब अपनी वापस क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको पता है मार्च तक अपनी क्लास है अभी, लेकिन इस बीमारी की वजह से अपना जो रूटीन का जो वर्क था वो बंद हो गया। लेकिन घबराए नहीं, अपनी क्लासें अब वापस अनवरत रूप से चलती रहेगी। मुझे आशा है कि आप एकदम घर पर स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और अपने परिवार को भी सुरक्षित बनाए रखें, क्योंकि आने वाले समाज, आने वाले राष्ट्र की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। मैं आशा करता हूँ कि आप अपना कार्य, आप अपनी पढ़ाई बड़े ही कर्तव्य ढंग से पूरी कर रहे हैं। चलो आज के हम क्लास शुरू करते हैं, हिंदी की क्लास, जिसमें अपने कुछ एक टॉपिक हो चुके हैं। अब जो बाकी रह गई उन टॉपिकों पर बात करें। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक निबंध है जिसका नाम है राष्ट्र का स्वरूप, जो आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। इनके कवि है वासुदेव शरण अग्रवाल। और ये जो टॉपिक जो है वो निबंध शैली में लिखा हुआ है। कौन सी शैली है? निबंध शैली। इसके अंदर बताया गया है कि राष्ट्र का स्वरूप कैसा होना चाहिए, उसका कैसा अस्तित्व होना चाहिए, राष्ट्र क्या है, उसके अंदर कौन कौन से उसके स्तंभ हैं जो उसके विकास में सहायक है। इसके बारे में वासुदेव जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से बताया है। आपकी परीक्षा में एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि वासुदेव शरण जी की मूलभूत विचारधारा को अपने शब्दों में लिखिए। तो इस लेशन के अंदर, इस पाठ के अंदर, अपने इस प्रकरण के अंदर बहुत ही सिंपल तरीके से उन्होंने राष्ट्र का स्वरूप कैसा होना चाहिए, उसका कैसा अस्तित्व होना चाहिए और एक राष्ट्र के विकास में कौन कौन से लोग, कौन कौन से तत्व भागीदारी निभाते हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि ये जो प्रस्तुत निबंध है अग्रवाल जी ने, ये अपना जो निबंध है वो निबंध लिया गया है पृथ्वी ही पुत्र, पृथ्वी ही पुत्र नामक एक इनका निबंध संग्रह है। इनका एक निबंध संग्रह है, उसमें से ये राष्ट्र का स्वरूप निबंध लिया गया है। ठीक है, इनका एक 9 के आसपास इनके निबंध संग्रह है, उसी में से इस राष्ट्र के स्वरूप को लिया गया है। और जिसमें बताया गया है कि एक व्यक्ति, एक मनुष्य किस प्रकार से अपने राष्ट्र के स्वरूप को, राष्ट्र के अस्तित्व को बनाए रख सकता है, उसमें कौन कौन से ऐसे तत्व, कौन कौन सी जो पार्थिव चीजें हैं जो उसमें मिली हुई है और उसका विकास हुआ है, उसी के बारे में बताया हुआ है। आपके पास में किताब है तो आप उसको घर पर बड़े आराम से पढ़ लोगे और मैं अभी आपको एक क्वेश्चन करवा दूंगा तो बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो आप अपनी कॉपी पेन उठाइए और उसमें क्वेश्चन लिखिए और उसकी शुरुआत करें, करते हैं अपन। तो सबसे पहले प्रश्न लिखोगे, इनका जन्म जो है जो मूलभूत जानकारी है 1904 में हुआ था और जन्म जो हुआ था उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर हुआ था। ये आपको छोटी सी जानकारी रखनी, हालांकि जरूरी है कि फिर भी हमें जब उत्तर लिखेंगे ये परीक्षा के अंदर तो उसमें ये जानकारी होनी जरूरी है। तो चलो शुरू करते हैं, अपना एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को लिखें। राष्ट्र का स्वरूप निबंध का सार अपने शब्दों में लिखिए। ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, कई बार परीक्षा में आया हुआ है। राष्ट्र का स्वरूप निबंध का सार अपने शब्दों में लिखिए, अथवा करके आप लिख लीजिए राष्ट्र का स्वरूप निबंध के आधार पर राष्ट्र की अवधारणा और संस्कृति का राष्ट्रीय जीवन में महत्व स्पष्ट कीजिए। दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं बच्चों, राष्ट्र का स्वरूप निबंध के आधार पर राष्ट्र की अवधारणा और संस्कृति का
राष्ट्रीय जीवन में महत्व स्पष्ट कीजिए। कैसा ही क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि क्वेश्चन होगा वही लेकिन उस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो आपको भ्रमित करने के लिए एग्जामिनर उसकी लैंग्वेज चेंज कर देगा। तो आपको घबराना नहीं है, लैंग्वेज भले ही वो चेंज कर दे, वासुदेव शरण जी का जो क्वेश्चन आएगा उसका मूल रूप यही है कि वो उसकी भावना पूछ रहा है आपसे कि इसमें कवि ने क्या विचार दिए। तो मुझे आशा है कि आपने लिख लिया होगा। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले लिखने की लिखें प्रस्तुत निबंध राष्ट्र का स्वरूप डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के निबंध संग्रह पृथ्वी पुत्र, पृथ्वी ही पुत्र से लिया गया है। इस निबंध में लेखक बताते हैं कि राष्ट्र का स्वरूप जिन तत्वों से मिलकर बना है वे तीन तत्व हैं। जिन तत्वों से मिलकर बना है वे तीन तत्व हैं। पहला है पृथ्वी, दूसरा है जल और तीसरा है संस्कृत। तीन सत्ताएं हैं, उससे पृथ्वी, जन और तीसरा शब्द जो आया है संस्कृत। इन तीन तत्वों से मिलकर के राष्ट्र का एक स्वरूप का निर्माण बना है या हुआ है। अग्रवाल के अनुसार भूमि अपार संपदा का भंडार है तथा वह मनुष्य के लिए सब कुछ देने की क्षमता रखती है। सब कुछ पृथ्वी हमें क्या दे रही है, सब कुछ दे रही है। आज हमारा जो रहन सहन या हमारी जो भाषा है, हमारे जो विचार है, वो किसने दिए है, इस पृथ्वी ने दिए है। क्योंकि इसके अंदर एक अपार क्षमताएं हैं, वो हमें स्वतः ही वो हमें देती रहती है। तथा वह मनुष्य के लिए सब कुछ देने की क्षमता रखती है जब तक हमारे हृदय में भूमि के भौतिक स्वरूप के प्रति आकर्षण नहीं होगा। हम उसकी सुंदरता और उपयोगिता और महिमा को नहीं पहचान पाए। कभी क्या बता रहा है कि जब तक हम उसकी सुंदरता, उसकी उपयोगिता और उसके भौतिक रूप को पहचान नहीं पाएंगे तो हमारा उसके प्रति आकर्षण नहीं होगा। भाई किसी चीज का हमारा जो आकर्षण होता है वो कैसे होता है, हम सबसे पहले किसी व्यक्ति या तत्व को देखते हैं, सुंदर लगती है। मान लो कोई बगीचे के अंदर कोई सुंदर सा मोर है तो हम उसके भौतिक स्वरूप को देखते हैं, उसकी आवाज को सुनते हैं, बड़ा सुंदर लगता है। उसी प्रकार से पृथ्वी के अंदर हम उसके भौतिक स्वरूप को देखते हैं जिसमें भिन्न भिन्न तरीके से उसकी जो सुंदरता का जो बखान किया है या वो अपने सुंदरता को चादर के रूप में ओढ़े रखी है, उसी प्रकार से जब हम उसको देखते हैं तो उसके प्रति हमारा जो आकर्षण होता है। आगे लिखें पृथ्वी और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना करना असंभव है। कभी क्या कह रहा है, अगर पृथ्वी और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना करना असंभव सा कार्य है। लिख लिया आपने यहां तक, ये तो थी इसकी प्रस्तावना। अब नंबर वन पॉइंट डाले हैं। पहला पॉइंट जो है वो ये है पृथ्वी को समृद्ध बनाने पर बल, पृथ्वी को समृद्ध बनाने पर बल। पहला पॉइंट अपना ये है पृथ्वी को समृद्ध बनाने पर बल।
कवि ने ऐसे कौन से तत्व बताए जिससे पृथ्वी को हम समृद्ध बना सकते हैं, उसका विकास कर सकते हैं, उसके बारे में बताए। तो उद्धरण चिन्ह डाल करके, सॉरी रोचक चिन्ह डाल करके आप इसमें लिखें, लेखक का मानना है कि भूमि का निर्माण देवताओं द्वारा किया गया है तथा इसका अस्तित्व अनंत काल से विद्यमान है। इसका जो अस्तित्व है, जो इसका निर्माण है, वो अनंत काल से होता आ रहा है। इसलिए मानव जाति का, हम सब का यह कर्तव्य है कि वह इस भूमि के प्रति सचेत रहे, जागरूक रहे, इसके रूप को विकृत ना होने दें। विकृत एक शब्द आया है, विकृत, विकृत का मतलब होता है बिगड़ा हुआ रूप, तो उसको विकृत ना होने दें तथा इसे समृद्ध बनाने की दिशा में सजग रहे, तथा इसे समृद्ध बनाने की दिशा में सजग रहे, मतलब तैयार रहे हमेशा। हमेशा हम कैसे राष्ट्र के स्वरूप का अस्तित्व बनाए रख सकते हैं, उस पर कुछ नया कर, क्या नया कर सकते हैं, उसके प्रति हमेशा सजग रहे, सावधान रहे। आगे लिखेंगे इसी क्रम में, इसके रूप को विकृत न होने दें, यह आपने लाइन लिख ली। लेखक का कहना है कि भूमि के स्वरूप के प्रति हम जितना जागरूक रहेंगे, हमारी राष्ट्रता उतनी ही बलवती होगी। राष्ट्रता बलवती होगी, बलवती का मतलब हमारी राष्ट्रता उतनी बलवती मतलब मजबूत होगी, क्योंकि हमारी समस्त विचारधाराओं की जननी वस्तुतः यह पृथ्वी ही है। जितने भी विचार आ रहे हैं संसार के अंदर, आप सबको पता है ये सारे के सारे विचार हमें अपनी मातृभूमि देती है। इसलिए प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा इसके रूप सौंदर्य उपयोगिता तथा महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का आवश्यक धर्म है। प्रत्येक मनुष्य का क्या है? आवश्यक धर्म है। ये सबका हमारा धर्म है कि हम अपने राष्ट्र के प्रति सजग रहें, सावधान रहें, उसके निर्माण में हमेशा कर्तव्यशील बने रहें। लिख लिया होगा आपने, आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखें, जन को समृद्ध बनाने पर बल। ये जो पॉइंट लिखा हुआ है तो इस पर आपको ये लिखना है, पृथ्वी की जगह जन को समृद्ध बनाने पर बल। सेकंड हेडिंग है अपनी, जन को समृद्ध बनाने पर बल। इसमें लिखे राष्ट्र का दूसरा महत्वपूर्ण अंग, राष्ट्र का दूसरा महत्वपूर्ण अंग मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य है। यदि पृथ्वी हो और जल ना हो तो राष्ट्र की कल्पना करना असंभव है। भाई राष्ट्र का जो स्वरूप है उसमें जल का भी तो बहुत महत्व है, जल नहीं होगा तो राष्ट्र कहां से होगा? तो राष्ट्र का स्वरूप की हम कल्पना कैसे कर सकते, नहीं कर सकते। इसलिए जल का भी होना बहुत महत्वपूर्ण है। जल के कारण ही पृथ्वी को मातृभूमि कहलाने का गौरव मिलता है। पृथ्वी माता है और मैं उसका पुत्र हूं, ये सभी की विचारधारा है। हम मानते हैं हम अपने अपने देश के प्रति जो मातृभूमि का जो भाव है, पृथ्वी को अपना जो माता कहलाने का जो भाव है हमारे दिमाग में हमेशा रहता है, तो वो इसी कारण है।
जब जल के मन में यह भाव सशक्त रूप से जाता है, तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते। ये भाव कैसे होने चाहिए? सशक्त होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए, दृढ़ होने चाहिए। जब तक ये भाव दृढ़ नहीं होगी, हम उस राष्ट्र की या किसी भी राष्ट्र की, अच्छे राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते। जितने भाव हमारे अपने देश के प्रति या किसी भी व्यक्ति के अपने देश के प्रति जितने भाव मजबूत होंगे, उस देश की राष्ट्र का, उस देश की संस्कृति का विकास हमेशा बढ़ता रहेगा। और वो कब बढ़ेगा? जब जन के अंदर ऐसी भावनाएं उत्पन्न हो। लिख लिया आपने, इसी क्रम में आगे लिखें, इस भाव में पृथ्वी और जल के संबंध अचेतन और जल बने रहते हैं। नेक्स्ट पैरे में, जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र का संबंध पहचान कर उसे नमन करता है, तभी भूमि और जन का संबंध दृढ़ होता है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार होता है। जैसे हमारे विचार होंगे, जैसे हमारी कल्पना होगी किसी भी राष्ट्र के प्रति, या हम अपनी ही बात कर लें, अपने राष्ट्र के प्रति हमारे जैसे विचार होंगे, राष्ट्रता की दीवार या राष्ट्रता की नींव उसी के ऊपर टिकी हुई होगी। विकासशील और विकसित देश जो है उनमें ये ऐसा ही होता है। विकासशील जो भी देश है या विकसित जो भी देश है, जो भी राष्ट्र है, वहां पर लोगों की अपने देश के प्रति जो भावना है, जो राष्ट्रता का जो भाव है, जो अपनी मातृभूमि के प्रति जो सद्भाव की जो भावना है, वो हमेशा बलवती रहती है। और वो राष्ट्र हमेशा झुलसता रहता है या जलता रहता है जिस देश में रहने वाले व्यक्तियों में अपने राष्ट्र के प्रति संकीर्ण विचारधारा है, अच्छी भावना नहीं, वो राष्ट्र हमेशा झुलसता है। तो ये कवि यहाँ पर ये कहना चाहता है कि जो राष्ट्र अपने देश के प्रति, राष्ट्र में जो व्यक्ति है, उस देश में रहने वाले जो व्यक्ति है, उस देश के रहने वाले व्यक्तियों में अपने देश के प्रति अच्छी भावना रहेगी, संकीर्ण विचारधारा नहीं रहेगी, वो राष्ट्र उतना ही बलवती होगा और उस देश के व्यक्ति वैसे ही विकास की ओर अग्रसर होते रहेंगे। आगे लिखे इसमें, आगे कवि कह रहा है, पृथ्वी पर बसने वाले सभी जन बराबर है, उनमें किसी प्रकार के ऊंच नीच या छोटे बड़े का भेदभाव नहीं है। आज हमारी जो माता है जिसने हमें जन्म दिया है, हमारे जो भाई बहन हैं, उनमें भी आपने देखा होगा कि माता जो है वो अपने पुत्र के प्रति कभी भी ऐसी विचारधारा नहीं रखती है कि ये पुत्र मेरा ज्यादा लालिशा है और ये पुत्र कम है। नहीं, उसके लिए सभी समान है। तो जब ऐसा भाव मां नहीं रख सकती, तो हम ये ऐसा भाव कभी कहता है क्यों रखें? इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति उसके अपने राष्ट्र के प्रति एक अच्छी भावना होनी बहुत जरूरी है। आगे लिखें इसी में, पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है, अनेक भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों को मानने वाले। आपको पता है कि किसी भी राष्ट्र में अलग अलग धर्म, जाति, लिंग भेद के व्यक्ति रहते हैं, वो उनमें भले ही भिन्नता हो, लेकिन अंत की बात जो आती है वो एक ही बात है कि उनमें अनेकता में एकता का भाव हमेशा जिंदा रहता है। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सभी जातियों के लिए समान क्षेत्र है, चाहे हम यहां रहें, चाहे हम सुदूर दक्षिण क्षेत्र में रहें या सुदूर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में रहें, कहीं पर भी रहें, सभी जातियों के लिए वो समान क्षेत्र है।
प्रगति और उन्नति का सबको एक जैसा अधिकार है, सबको प्रगति का और उनको उन्नति का एक जैसा अधिकार है। पहले जो आज़ादी से पहले की जो बात जब हम बात करें तो उस समय हो सकता है कि उस समय की क्या परिस्थितियाँ थी, क्या विचारधाराएँ थी लोगों की, उस समय जो जो अधिकार जो हमसे छीने गए और जिससे देश का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ होगा, लेकिन वर्तमान में आपको पता है कि एक संविधान के अंदर ऐसी कल्पना की गई है, ऐसी विचारधारा रखी गई है जिसमें सभी व्यक्तियों को समान रूप से उन्नति का आगे बढ़ने का अधिकार प्राप्त है। तो किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। कभी यहाँ पर ये कह सकता है कि हम किसी भी जन को किसी भी व्यक्ति को पीछे छोड़ करके हम देश को आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि इस देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों, चाहे वो कौन सा ही देश हो, उसमें सभी को आगे बढ़ने का अधिकार है। और वो राष्ट्र कभी आगे कब जब आगे बढ़ सकता है, जब वह सभी को साथ में लेकर के संभाव सद्भाव की भावना लेकर के आगे विचार करता है। अगर ऐसा विचार नहीं है तो जो उसके साथ में रहने वाले जो साथी हैं पीछे रह जाएंगे, और पीछे रहने के कारण किसी भी राष्ट्र का, किसी भी समाज का, किसी भी परिवार का विकास नहीं हो सकता। इसलिए कभी हम यही कहना चाहता है कि इस जन्म में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो उन्नति करे और प्रगति करे। ठीक है, आगे लिखे इसमें, जन का प्रवाह अनंत होता है, हजारों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्र जन ने तादात्म्य स्थापित किया है। तादात्म्य का मतलब होता है समन्वय। कोऑर्डिनेशन जिसको बोलते हैं, समन्वय जो है वो बहुत जरूरी है। जब तक सूर्य और चंद्रमा है, जब तक राष्ट्र जन का जीवन भी अमर है, जन का जीवन नदी के प्रवाह की तरह से है जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। कभी यहां पर देखो क्या कह रहा है कि जन का प्रवाह अनंत होता है। आप देखिए भारत के भिन्न भिन्न कोनों में जनों का निवास, भिन्न भिन्न जनों का निवास होने के कारण वहां भिन्न भिन्न जातियां, भिन्न भिन्न भाषाएं, भिन्न 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 तरह के व्यक्ति सभी रहते हैं, और उनका जो प्रवाह होता है वो अनंत रूप से आगे बढ़ता रहता है। और उन्होंने सबके साथ क्या बनाया है, सामंजस्य बनाया है, समन्वय बनवाया है। समन्वय बहुत जरूरी है। जब तक सूर्य और चंद्रमा है तब तक राष्ट्र का जीवन भी क्या है, अमर है। और ये कब संभव हो सकता है, जब सभी जनों के बीच में क्या हो, समन्वय का भाव। आगे बात समझ में, ये यहां तक पॉइंट आपके समाप्त हो गया। अब तीसरा जो पॉइंट है उसको आप लिखिए। तीसरा जो पॉइंट है वो इसमें ये आ जाएगा, संस्कृति को समृद्ध बनाने पर बल। मैं यहां लिख देता हूं, संस्कृति को, तीसरा जो पॉइंट है वो ये है, संस्कृति को समृद्ध बनाने पर बल। ये तीसरा पॉइंट है आपका। इसमें कभी बताया है कि हमारी जो संस्कृति, हमारा जो कल्चर है उसको हम कैसे समृद्ध बना सकते हैं, कैसा उसका विकास कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी राष्ट्र में आपको पता होगा भिन्न भिन्न जातियों के लोग, भिन्न भिन्न समूह के लोग, भिन्न भिन्न संस्कृतियों के लोग, लिंग भाषा जाति वर्ण सब में भिन्नता है, और भिन्नता होने के बावजूद भी क्या है, एकता है। उसका हम कैसे विकास कर सकते हैं। तो कवि यहां पर यह कह रहा है, इसमें लिखे हैं योजक चिन्ह लगा करके, कि राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है।
जन अर्थात मनुष्य ने सहस्त्रों वर्षों से जिस सभ्यता का निर्माण किया है वह उसकी श्वास और प्रश्वास है। श्वास और प्रश्वास का मतलब होता है सांस लेना और सांस को छोड़ना। उसी के लिए विकास और अभ्युदय के द्वारा राष्ट्र की समृद्धि संभव है। संस्कृति जीवन विटप का पुष्प है, उसी के सौंदर्य और सौरभ से ही जन के जीवन का सौंदर्य और विकास है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, उन दोनों के स्वरूप में ही हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन होते हैं। देखो यहां पर कवि ने दो शब्द बताए, जन के ज्ञान में, जन के ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, मतलब दो चीजें ही हैं। ज्ञान के क्षेत्र में जो उसने सोचा है और कर्म के क्षेत्र में उसने जो परिश्रम किया है या श्रम किया है, वो ही क्या है राष्ट्र संस्कृति के मूलभूत रूप से उसको विकास विकसित करने के दोनों तत्व है। जो सोचा उसको क्रियाशील किया और जो उसने सोचने के बाद जो नए ज्ञान की उत्पत्ति की और उसके बाद कर्म के द्वारा अपनी मेहनत के द्वारा कर्म क्षेत्र के द्वारा अपनी संस्कृति का निर्माण किया है। चाहे वो कोई व्यक्ति हो, जैसे किसान है तो किसान अपने कर्म के क्षेत्र में हमेशा अग्रसर रहता है, चाहे वो शिक्षक है, चाहे वो चिकित्सक है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति जो अपने ज्ञान के द्वारा और कर्म के द्वारा संस्कृति का विकास करता रहता है। उन दोनों के समन्वित रूप में ही हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन। इस लाइन को लिखे देखें, उन दोनों के समन्वित रूप में ही हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन होते हैं। दोनों का समन्वय रूप होना जरूरी है। भाई आपने सोच लिया और उसके बाद में कर्म नहीं किया तो संस्कृति का विकास नहीं हो सकता। मैं बहुत कुछ सोचता हूं लेकिन करता कुछ नहीं हूं तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है। जो आपने सोचा है उसको आप वापस कर्म के क्षेत्र की ओर वापस अग्रसर करें, तभी हम संस्कृति का विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ लिखें, वन में जिस तरह से अनेक लता वृक्ष और वनस्पति विकसित होकर पारस्परिक सम्मेलन से एकता की स्थिति को प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्र में विभिन्न संस्कृतियां सम्मेलनों से एकता की स्थिति को प्राप्त करते हैं। जैसे यहां पर देखो कवि ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया, जैसे वन है तो वन के अंदर आपको पता है कि बहुत सारी लताएं हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे, छोटे जो पौधे हैं, तरह तरह के उनकी विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं, वो सारी चीजें मिलकर के क्या करती है, एक वनस्पति का विकास कर सकती है। उसको सम्मिलित रूप में वनस्पति कह करके उसका सम्मान करते हैं। उसी प्रकार से किसी भी देश में जो संस्कृति का जो विकास है उनका विकास भी ऐसा ही हुआ है। लोगों के विचारधाराएं, लोगों की धारणाएं, लोगों की धर्म से संबंधित विचारों के प्रति जो भावनाएं हैं, जो सम्मान की भावना है, जो सद्भाव की भावना है, जो लोकतांत्रिकता की भावना है, वो ही एक सम्मिलित रूप में क्या कहलाती है, संस्कृति कहलाती है। जिस तरह जल के अनेक प्रवाह, आगे लिखेंगे, जिस तरह जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समृद्ध में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी तरह विभिन्न संस्कृतियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती है। यह समन्वय ही राष्ट्र का सुखदायी स्वरूप है। हमारे पूर्वजों ने अपने चरित्र, धर्म, विज्ञान, कला, साहित्य,
और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ पराक्रम किया है उसे गौरव के साथ धारण करना और साहित्य और क्षेत्र के में जो कुछ पराक्रम किया उस गौरव के साथ धारण करना और अतीत की उपलब्धियों से वर्तमान को संवारना ही राष्ट्र के विकास का आधार है। देखो कवि यहाँ पर दोबारा क्या कह रहा है कि हमारे पूर्वजों ने जो चरित्र धर्म विज्ञान कला संस्कृति का जो विकास किया है उस विकास को संभाल करके नए संस्कृति के साथ उसका समन्वय करना और उसको आगे बढ़ाना वही मूल रूप से क्या है आज की वर्तमान की संस्कृति को बचाए रखना है और वही उसके राष्ट्र के विकास का आधार है। नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे, वस्तुतः वह राष्ट्र के स्वागत के योग्य है जिसके निवासी अपने प्राचीन गौरवमय इतिहास को भार रूप न मानकर उससे प्रेरणा ग्रहण करते हैं और उसके आधार पर अपने भावी जीवन की उन्नत और श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करते हैं। लास्ट में लिख लीजिए आप निष्कर्ष रूप में, ये तीन इसमें पॉइंट थे, लास्ट लिख लीजिए निष्कर्ष अंतिम पड़ाव पर है क्वेश्चन के। इस प्रकार स्पष्ट है कि भूमि जन और जन की संस्कृति के समन्वय से ही राष्ट्र का स्वरूप निर्धारित होता है। कवि क्या कह रहा है कि इस प्रकार स्पष्ट है कि भूमि जन और संस्कृति के समन्वय से ही यह राष्ट्र का स्वरूप निर्धारित होता है। जब तक हमारे हृदय में भूमि के भौतिक स्वरूप के प्रति आकर्षण नहीं होगा हम उसकी सुंदरता उसकी उपयोगिता और महिमा को नहीं पहचान पाएंगे। तब तक हमारी राष्ट्रता संपूर्ण नहीं होगी उसको बल नहीं मिलेगा। भूमि ही सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। यदि भूमि हो और जन न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव सा कार्य है। राष्ट्र का तीसरा अंग जो कवि ने बताया संस्कृति है और संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय से राष्ट्र की समृद्धि का राष्ट्र के निर्माण का एक मूलभूत आधार स्तंभ है या राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ये हो गया आपके फर्स्ट क्वेश्चन जो राष्ट्र के स्वरूप का है। अब केवल इसमें जो आपके पास जो किताब जो मैंने उपलब्ध करवाई है उसका आपको केवल सार पढ़ना है और सार के द्वारा जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको बड़े ही सुंदर ढंग से आराम से समझ में आ जाए। एकदम निश्चित और सरल भाषा में आपको मैंने लिखवाने की कोशिश की है ताकि आपको एक दो बार पढ़ते ही समझ में आ जाए। मैं मानता हूँ विश्वास है मुझे कि आज की जो क्लास है आपको बहुत समझ आई होगी और जो भी आपके जो डाउट है वो मुझे आपके पास नंबर है मेरे तो मुझे आप कॉल करके जरूर बता दीजिए कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई तो मैं कोशिश करूँगा उसको वापस समझाने। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।